हेलो दोस्तों, संजय कोडिंग क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेंचर में आई हुई एक और रिसेंट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 40। प्रॉब्लम का नाम है सेकंड अकरेंस। तो मैं इससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने लगभग 39 प्रॉब्लम्स को अपने YouTube पे सॉल्व करके रख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 40 प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है। और ना सिर्फ मैंने सॉल्व किया है, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हैकर रैंक पे उसका प्रॉपर कंटेस्ट बना दिया है और सारी प्रॉब्लम को यहाँ पर अरेंज कर दिया है। तो यहाँ पर जाकर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं आज की प्रॉब्लम क्या है। आज की प्रॉब्लम का नाम है सेकेंड अकरेंस। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि चार्ल्स इज अ गिवन एन एरे। ठीक है, तो चार्ल्स को एक एरे दिया गया है। ही वांट टू फाइंड द काउंट ऑफ अकरेंस। इंपॉर्टेंट बात है, काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, इन द एरे। मतलब आपको जो भी एरे दिया गया है उसमें पहली बात तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको निकालना है, और सेकेंड लार्जेस्ट निकालने के बाद उसका अकरेंस काउंट करना है कि सेकेंड लार्जेस्ट कितनी बार है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास 8 वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ठीक है, और 8 वैल्यू में आपको यहाँ पे कौन कौन सी दी गई है। यहाँ पे अगर आप 8 वैल्यू को देखें कौन कौन सी है, तो हम इसको देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। तो हमारे पास है 1, हमारे पास है 2, हमारे पास है 3, हमारे पास है 4, ठीक है, हमारे पास है 5। यहाँ सॉर्टेड दिया गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सॉर्टेड हो। अब ये कह रहा है कि इसमें जो सेकेंड लार्जेस्ट है, तो आप देख सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है 4। अब 4 कितनी बार है, तो 4 है 2 बार, आप देख ले सकते हैं यहाँ पर। तो 4 कितनी बार है, 2 बार, इसीलिए इसका आउटपुट कितना है, 2 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक और टेस्ट केस की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे n कितना है, 5 है, मतलब 5 एलिमेंट की बात कर रहा है। तो 5 बार 3 3 3 दिया है। अगर 5 बार 3 3 3 की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है ना, टेक्निकली एक ही एलिमेंट है 3, तो इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट है ही नहीं। जब सेकंड लार्जेस्ट है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये समझें कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। इसको अप्रोच करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो इसका आसान तरीका होगा, अगर आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रखा है, जावा में, पाइथन में, या C++ में, STL पढ़ रखा है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे हमको दो डेटा स्ट्रक्चर अगर हम यूज करें, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला हम लोग यूज करें मैप, और दूसरा यूज करें हम लोग सेट। तो मैप और सेट की मदद से हो सकता है। मैप आपको पता है कि की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा को रखता है। तो मैं दो डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा। पहला मैं यूज करूंगा एक मैप, ठीक है, और एक यूज करूंगा मैं सेट। दोनों किस तरीके से काम करते हैं, आइए हम लोग बात समझते हैं। तो मैप में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आपने एक उठाया 1, तो एक यहाँ पर होगी की और एक होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो 1 क्या मैप में है, मतलब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये मैप है, आपको पता है। तो 1 क्या मैप में है, नहीं है। अगर मैप में नहीं है, तो 1 को मैप में यहाँ पर रख दीजिए, 1 की वैल्यू 1 कर दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है ये की है और ये वैल्यू है। साथ ही साथ हम एक सेट बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और सेट में भी अगर आप ट्री सेट बना लें, कहने का मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर सेट का मतलब आप बना लें, जैसे जावा में ट्री सेट होता है, तो ट्री सेट का मतलब वो असेंडिंग में अरेंज करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने सेट में भी एक यूनिक वैल्यू को ऐड कर दिया। तो सेट में क्या ऐड हो गया हमारे पास, ऐड हो गया 1, ठीक। उसके बाद क्या आया हमारे पास, 2। 2 हमने देखा मैप में है, नहीं है, तो 2 को ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, और इसको सेट में भी ऐड कर दिया 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3। 3 को देखा हमारे मैप में नहीं है, तो 3 को यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर इसको सेट में भी ऐड कर दिया। सिमिलरली 4। 4 यहाँ मैप में नहीं है, तो 4 को रख दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, और 4 को यहाँ पर भी रख दिया। फिर दोबारा जब 4 आया, तो हमने इस बार मैप में ऐड तो है, तो जब ऐड है तो हमने इसमें प्लस 1 कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से 5 नहीं था, तो 5 को रख दिया, ठीक है, और यहाँ 1 कर दिया। इसी तरीके से 5 को यहाँ भी ऐड कर दिया, ठीक। उसी तरीके से 5 जब दोबारा आया तो यहाँ पे प्लस 1 कर दिया। फिर जब 5 तीसरी बार आया, तो हमने यहाँ पे प्लस 1 कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इससे हमको ये पता लग गया कि 4 2 टाइम्स है, और 5 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। अब चूंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके से ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर्ड सेट है तो क्या, इसमें जो साइज -1 पे होगा, मतलब जो इस जगह पे होगा, वो क्या होगा, वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट होगा। तो हम देखेंगे कि सेकेंड लार्जेस्ट जो वैल्यू है उसकी की वैल्यू कितनी है, तो बस इसी को रिटर्न कर दीजिए। और मान लीजिए कि अगर एक और चीज चेक करेंगे कि यदि सेट की साइज अगर सिर्फ 1 है,
तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसको रिटर्न कर देंगे जीरो। तो ये हमारे इस दो डेटा स्ट्रक्चर की मदद से बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। तो अगर इसको एग्जैक्टली करने के सेंस में हम लोग बात करें, तो पहले तो आपको पता है कि एरे के अंदर हम लोग वैल्यू को रीड कर लेंगे, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक आई एन टी क्या होगा, एक हमारे पास होगा आई एन टी एन, ठीक है, और n इक्वल टू हो जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ये आपने कर लिया, ठीक, मतलब n को रीड कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम एक एरे बनाएंगे, तो आई एन टी क्या हो जाएगा, एरे हो जाएगा, एरे की साइज कितनी हो जाएगी, न्यू आई एन टी, और जितना हमारा n की वैल्यू है हो जाएगी। अब एरे को वैल्यू को रीड करना है, तो आप एरे की वैल्यू को कैसे रीड करेंगे, आपने कहा न्यू आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन कितना, आई लेस देन n और i प्लस प्लस, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, एरे ऑफ i को आप एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी करके यहाँ पे रीड कर दीजिए, ठीक, ये कर लिया हमने। अब आप चाहें तो एक सॉल्व नाम का फंक्शन बना सकते हैं, और सॉल्व फंक्शन के अंदर आप पास कर सकते हैं किसको, आप पास कर सकते हैं एरे को और n को, और ये एक रिजल्ट को वापस करेगा आर को, और फिर आर को आप यहाँ पे एस ओ पी कर दीजिए, आर यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब मेन जो खेल है वो किसका है, वो है हमारे सॉल्व फंक्शन का, कि सॉल्व फंक्शन काम किस तरीके से करेगा। तो आइए डिफाइन करते हैं, हमने यहाँ पे कह दिया क्या पब्लिक, ठीक है, और स्टैटिक, और हमने फंक्शन बना दिया आई एन टी सॉल्व, ठीक है। दो आर्गुमेंट है, पहला आर्गुमेंट है एरे और दूसरा आर्गुमेंट है एन, ठीक। अब हमने क्या करा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एक सेट डिफाइन करेंगे, तो मैंने कहा यहाँ पर मान, मतलब एक सेट डिफाइन कर लीजिए, तो सेट किस तरीके का सेट, इंटीजर टाइप का सेट, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम आपने सेट दे दिया न्यू, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ट्री सेट। जो ट्री सेट होता है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है, मतलब सेट के अंदर ऑर्डर जाएंगे। दूसरा एक आप मैप डिफाइन कर सकते हैं, मैप, तो हमने कहा जो की होगी वो कैसी होगी, वो इंटीजर होगी, ठीक है, और जो वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, इंटीजर होगी, और इसका नाम हमने कर दिया एम पी इज इक्वल टू न्यू। आप इसको भी ट्री मैप कर सकते हैं, लेकिन ट्री मैप की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपल हैश मैप कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा हैश मैप, ठीक है। तो एक सेट बना लिया, एक मैप बना लिया हम लोगों ने। अब सिंपल करना क्या है, एकदम आसान है, आप इसको लीजिए फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन कितना एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको हर एलिमेंट को मैप के अंदर डालना है। तो मैप के अंदर डालने का मतलब क्या है, मैप के अंदर डालने का मतलब है कि जैसे ही आपने मैप बनाया, ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। जैसे ही आपने मैप बनाया, तो मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनेगा। मैप में क्या, मैंने बताया आपको कि दो चीजें होती हैं, एक होता है की, एक होती है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर एक होगा की और एक होगी आपकी वैल्यू। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या जो एरे ऑफ आई है, तो हम चेक करेंगे कि यदि क्या एम पी डॉट, ये फंक्शन होता है कंटेंस की, कंटेंस की, अगर की है, कौन सी की है, एरे ऑफ आई अगर है तब क्या करेंगे, तो अगर है तो इसका मतलब है कि एम पी डॉट क्या करेंगे, एम पी डॉट पुट करेंगे किसको, एरे ऑफ आई को, और पुट करने के साथ साथ क्या करेंगे, एम पी डॉट गेट करेंगे किसको, एरे ऑफ आई की वैल्यू को, और उसमें जो भी वैल्यू आई है ना उसमें प्लस वन कर देंगे। मतलब जो मैप के अंदर, जैसे हमारे पास क्या आया, हमारे पास मान लीजिए इसको देखें तो वन आया, अगर वन पहले से होता, अगर नहीं है तो, नहीं है तो क्या करेंगे, हम कहेंगे एल्स पार्ट में क्या कर देंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे और कहेंगे एम पी डॉट क्या पुट, जो हमारा एरे ऑफ आई है उसको वहां पे ऐड कर दो, और उसकी वैल्यू कितनी कर दो, वैल्यू कर दो वन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वन गया, वन की वैल्यू वन हुई। फिर आगे जब यहाँ पर आया क्या टू, तो टू की वैल्यू भी वन हुई, थ्री की वैल्यू भी वन हुई, फोर की वैल्यू पहली बार वन हुई, लेकिन जब फोर दूसरी बार यहाँ पर आएगा तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्या एम पी डॉट कंटेंस की एरे ऑफ आई, हाँ फोर पहले से कंटेन करता है, तो हमने कहा एम पी डॉट गेट, गेट करो किसको, एरे ऑफ आई को, ठीक है। तो मतलब फोर को गेट करो तो फोर की वैल्यू मिल जाएगी, तो जो भी फोर की वैल्यू उसमें वन ऐड कर दो तो वन ऐड कर देगा,
ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए सेट डॉट एड किसको, एरे आप आई को। तो हमने यहाँ सेट भी मेंटेन कर लिया, ठीक है। तो ये जो सेट बगल में बन गया ये भी मेंटेन हो गया आपका। तो इसमें क्या जाएगा, 1 2 3 4 5। आपको पता है कि सेट में अगर डुप्लीकेट एलिमेंट भी इंसर्ट होगा तो वो डिस्कार्ड कर देता है, मतलब सिर्फ यूनिक वैल्यू ही सेट के अंदर होंगी, ठीक है। तो अब सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे है, सेकेंड लार्जेस्ट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही करना है आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल हम यहाँ पर जाएंगे और हमने कहा एक चाहे तो आप ले लीजिए ऑब्जेक्ट टाइप का एक एरे ले लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप का एक आपने कहा कि मान लीजिए रिजल्ट कर लीजिए आप इसको, जो भी आप चाहें। और इसको क्या कर लेंगे, इसको हम कहेंगे कि जो सेट डॉट टू एरे नाम का एक फंक्शन होता है इसको एरे में कन्वर्ट कर दो, एरे में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर सेट को, यहाँ पर जो रिजल्ट को चेक कर लेंगे कि यदि जो रिजल्ट डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ कितनी है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1 सॉरी, तो इसका मतलब है कि रिटर्न 0, इसका मतलब है कि सेकेंड लार्जेस्ट नहीं है। और अगर सेकेंड लार्जेस्ट है तब क्या करेंगे, तो हमने कहा कि एल्स क्या कर दो, हमने कहा कि एल्स रिटर्न कर दो किसको भाई, हमको चाहिए क्या, जो रिजल्ट की जो साइज है, जो रिजल्ट की लेंथ है, ठीक है, उसके जो सेकंड नंबर पे जो वैल्यू है उसकी उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, एमपी डॉट रिजल्ट डॉट लेंथ -2, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर हमने कहा कि रिजल्ट और रिजल्ट डॉट लेंथ -2, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब यह है कि आपके पास क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है इसको, मतलब हमने रिजल्ट के अंदर एरे बना दिया इसको एक तरीके से, तो क्या स्टोर हो गया, 1 2 3 4 5 स्टोर हो गया। अब हमने कहा कि जो लेंथ है, लेंथ लेंथ तो मान लीजिए इसका 0 1 2 3 4 5 होगी लेंथ, तो 5 होगी, तो 5 -2 मतलब 3, तो ये वाली पोजिशन की जो वैल्यू है वो आ जाए और उसकी मैप की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाए, सिंपल है, ठीक है। अब अगर इसको आप सिस्टम पे करके देखना चाहते हैं तो आइए इसको सिस्टम पे करके हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यहाँ पर आइए और आपने इसको यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपने कहा कि आई एन टी एन एन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले स्कैनर बना लें, स्कैनर इक्वल टू SC न्यू स्कैनर, ठीक है। और क्या कर दिया, सिस्टम डॉट इन कर दिया। फिर हमने कहा एन इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, आपने इसको रीड कर लिया, ठीक है। रीड करने के साथ ही साथ आपने क्या किया, आपने एक एरे बना दिया INT एरे एरे, और यहाँ पे आपने कहा न्यू INT ऑफ n, ठीक है। न्यू INT एरे की साइज क्या हो गई, यहाँ पे n हो गई। अब इसको हमको रीड करना है तो INT i, हमने कहा सीधा फॉर INT i इक्वल टू 0, i less than कितना, i less than n, i++। आप इसको रीड कर लीजिए और कहाँ डाल दीजिए, एरे ऑफ i इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, आपने इसको रीड कर लिया। रीड करने के बाद आपने सॉल्व फंक्शन के अंदर एरे को पास कर दिया और एन को पास कर दिया, ये बस एक रिजल्ट आपको देगा INT r, और इस r को आपको प्रिंट करा देना है। तो आपने कहा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आपने r को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर आप गए, आपने कहा क्या, आपने कहा पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक INT क्या है, सॉल्व, और INT आपने क्या पास कर दिया, एक एरे और एक INT आपने पास कर दिया एन, ठीक है। अब वही काम करेंगे, हमने कहा कि पहले एक बना लेते हैं मैप, ठीक है, इंटीजर, और इंटीजर क्या नाम दे दिया हमने, मान लीजिए MP नाम दे दिया, इक्वल टू न्यू हैश मैप, हैश मैप, हैश मैप क्लास इनिशियलाइज होता है ये, ठीक है। उसी तरीके से आपने एक बना लिया क्या, आपने एक बना लिया सेट, और सेट ये क्या हो गया, इंटीजर, ठीक है, और सेट नाम दे दिया आपने, कहा न्यू ट्री सेट, यहाँ डिफाइन करिएगा, याद रखिएगा ये जरूरी है ट्री सेट को डिफाइन करना। फिर हमने क्या किया, लूप चलाया INT i इक्वल टू 0, i less than कितना, i less than मैंने कहा कि n, और i++। अब हमने कहा कि यदि जो एरे ऑफ i है, ठीक है, हमने कहा MP डॉट कंटेन्स की, ठीक है, क्या है, एरे ऑफ i, अगर एरे ऑफ i है तब क्या करो, तो हमने कहा MP डॉट पुट किसको,
एरे ऑफ आई को पुट कर दो और साथ ही साथ एमपी डॉट गेट करो किसको, एरे ऑफ आई को, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी +1, मतलब जो भी रिटर्न वैल्यू होगी एमपी के अंदर वो +1 हो जाएगी, मतलब उसकी जो वैल्यू है एक अपडेट हो जाएगी। और अगर नहीं है तो एमपी डॉट पुट क्या कर दो, उस एरे की वैल्यू को पुट कर दो और उसकी उसकी की तो एरे ऑफ आई हो जाएगी और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और सिंपली सेट के अंदर क्या कर दो, सेट के अंदर ऐड कर दो किसको, एरे ऑफ आई को, ठीक। इतने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे अगर आप प्रिंट करा के देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर आपने इसको करा के देखा मैप को पर करा दीजिए और सेट, और यहाँ पे क्या करिए सेट को प्रिंट करा के देखिए, तो आपको जो दोनों चीजें चाहिए वो मिल जाएंगी, है ना। तो एक बार चेकिंग कर चेक करने के लिए हम लोग इन चीज को चेक कर लेते हैं, हमने मैप और सेट को यहाँ पे प्रिंट कराया, ठीक है। तो पहले इतना हम लोग चेक कर लें क्या इतना सही है, तो यहाँ पर एन को ये करा अनडिफाइंड सिंबल, एन को डिफाइन नहीं किया है, डिफाइन कर दीजिए, छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है, तो अभी के लिए मैं कुछ फर्जी रिटर्न कर दे रहा था, अभी तो हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं, अभी तो एग्जैक्टली तो रिटर्न हो नहीं रहा है, ठीक। तो ये आपने यहाँ पर देखा, अब देख सकते हैं एक एक बार, दो एक बार, तीन एक बार, चार दो बार, पांच तीन बार, और एक दो तीन चार पांच यहाँ पर स्टोर हो गया सेट के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इसको क्या करना है, अब ये काम तो हो गया, ये चेक हो गया कि हाँ भाई सही है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का हमको एरे बना देना है, मान लीजिए इसका नाम दे दिया रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर क्या है सेट वाली वैल्यू है, तो हमने कहा कि सेट डॉट टू एरे, इसको एरे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एरे में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि यदि जो रिजल्ट है ना उसकी लेंथ अगर एक है इज इक्वल टू, ठीक है, अगर इज इक्वल टू मतलब हमने कहा कि आइदर एक ही है मान के चलते हैं, तो एक का मतलब सिर्फ एक वैल्यू है उसके अंदर, ठीक है, तो रिटर्न जीरो, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, जो मैंने आपको बताया था कि रिटर्न करो क्या, हमको चाहिए वो वाली वैल्यू जो रिजल्ट के रिजल्ट डॉट लेंथ -2 पे रखी है, और उस वैल्यू की, ये तो हमको वैल्यू मिल गई, की मिल गई, तो इस की की वैल्यू क्या होगी उसको बस रिटर्न करवा दो, बस आप इसको इस तरीके से, या एमपी डॉट, ऐसे नहीं एमपी डॉट क्या करेंगे गेट, ठीक है। तो हमने कहा एमपी डॉट गेट करो, जो रिजल्ट के जो सेकेंड लास्ट सेकेंड पोजिशन पे जो वैल्यू रखी है उस वैल्यू को, उसकी को गेट करो, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो, काम खत्म हो जाएगा। आप इतने को चेक करा के अगर आप देखेंगे तो आपका ये टेस्ट केस सारे पास हो जाने चाहिए, ये देखिए टेस्ट केस पास हो गए, ये हो गया आपका सलूशन, और ये आपने कर दिया इसको सबमिट, और इसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका सलूशन, मेरे ख्याल से आपको जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।